नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और हमारे स्पेशल चुनावी शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज बात उस सीट की, उस विधानसभा सीट की जो कि जनजातियों के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। गुजरात सीमा से सटे डूंगरपुर सीट पर विकास की कमी के कारण यहां के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गुजरात जाना मजबूरी है। 4.5 साल बाद यहां के हालात कितने बदले हैं और जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं यहां के विधायक जी, देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट विधायक का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रण शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। इस बीच आज हम बात करेंगे राजस्थान के दक्षिण में बसे और गुजरात राज्य की सीमा से सटे डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दो तीन चार कुछ मांगे हैं, वो नहीं हो पाई है, बाकी सब मेरे विधानसभा क्षेत्र की काफी काम गेलो साहब ने कराया, सरकार ने कराया। जो 75 साल से चला आ रहा है वही प्रक्रिया चली आ रही है। इन्होंने जो धरातल पर काम किए हैं इनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में तो उद्योग के नाम से नील बटा नीली है। गणेश जी गोगरा का इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है, इसका रिजल्ट आज उपचुनाव में देख लिया। और मुझे तो नहीं लगता इन 4.5 सालों में डूंगरपुर का किसी तरह से कोई विकास हुआ हो। गरीब को गणेश मान करके डूंगरपुर की जनता का सेवा किया है। 4.5 साल से कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती जो चल रही है ना, इसकी वजह से जनता के विकास को ये भूल चुके हैं। ऐसी सरकार पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जो खुद की सरकार के विरोध में धरना देना पड़े। राजस्थान के दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा से सटे डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा सीट जनजातियों के लिए आरक्षित है। गेप सागर झील, जूना महल, उदय विलास पैलेस और विजयगढ़ दुर्ग जैसे पर्यटन स्थल के कारण प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर अलग स्थान रखने वाला डूंगरपुर हालांकि विकास की रेस में थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन बदले हालात में अब यहां विकास की उम्मीद बढ़ी है। भविष्य में यहां से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के गुजरने की भी संभावना है। डूंगरपुर सीट में कांग्रेस काफी मजबूत रही है। अब तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी एक बार 2013 में इस सीट को जीत सकी। कांग्रेस के नाथुराम अहारी 1980 से लेकर लगातार 6 बार विधायक चुने गए। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के गणेश घोगरा यहां से विधायक हैं, जो छात्र राजनीति से मुख्य धारा में आए। हालांकि डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा में से कांग्रेस के पास 1, बीटीपी के पास 2 और बीजेपी के पास 1 सीट है। डूंगरपुर विधानसभा सीट से आज तक कोई विधायक मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया है। जातीय समीकरण की बात करें तो डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की 70% आबादी जनजाति वर्ग की है। डूंगरपुर विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी 30% आबादी में एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ऐसा कोई बड़ी औद्योगिक इकाई डूंगरपुर में तो है नहीं। राजस्थान सिंटेक्स थी, लेकिन उसकी भी वो भी बंद हो चुकी है। इकाई सागवाड़ा में झील ने एक छोटा मोटा लगा रखा है। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में तो उद्योग के नाम से नील बटा नीली है। अगर डूंगरपुर सीट पर विकास की बात करें तो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक विधायक गणेश घोगरा को विधायक फंड के रूप में 12 करोड़ रुपए मिले, लेकिन विकास कार्यों पर 7 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके। हालांकि गणेश घोगरा का दावा है कि कृषि महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय के साथ ही इलाके में आर्चरी एकेडमी, नर्सिंग महाविद्यालय खोले गए। पाल देवल में तहसील कार्यालय और पाल देवल में ही एईएन कार्यालय खुलवाने का दावा भी घोगरा करते हैं। कामड़ी अहाड़ा को तहसील बनाए जाने को भी वो अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। पूरे राजस्थान में काम हुआ है, मेरे क्षेत्र में ही नहीं। और मेरे क्षेत्र में मैंने जो भी मांगा, जो भी क्षेत्र की जनता की समस्या थी, मांग थी, काफ़ी मतलब दी है। उसमें भले कृषि महाविद्यालय देख लो, विधि कॉलेज दिया है, आर्चर एकेडमी दी है, उसके बाद
नरसिंह महाविद्यालय भी खुल गया, काम चालू हो गया है। पाल देवल में कॉलेज, पाल देवल में तहसील, पाल देवल में अयन कार्यालय, रामसागड़ा में कॉलेज, रामसागड़ा में आईटीआई और गामड़ी आहाड़ा में तहसील, और ऐसे कई बड़े काम, बोले पुल निर्माण हो, सीएससी हो, पीएससी हो, कई काम कराए और कई काम दिए सीएम साहब ने। हालांकि विधायक द्वारा गिनाए गए इन विकास कार्यों के बाद भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें विरोधी भुनाना चाहेंगे। सोम कमला अंबा बांध से डूंगरपुर तक पेयजल सप्लाई कार्य में देरी बड़ा मुद्दा है। डूंगरपुर में औद्योगिक इकाइयां न होने से रोजगार की कमी भी अहम मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बावजूद चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए भी गुजरात जाना पड़ता है। वहीं नए संभाग मुख्यालय के बदले जाने को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी है। अभी डूंगरपुर उदयपुर संभाग में आता है, जो बदलकर बांसवाड़ा संभाग का हिस्सा हो जाएगा, जिसका जनता विरोध कर रही है। इनके कार्यकाल में यहाँ पर जो काम होने थे वो काम बिल्कुल नहीं हुए हैं। जो भी इनके वादे थे, इनके वादे के अनुरूप ये खरे नहीं उतरे हैं। और गणेश घोगरा है, इनके शासन होते हुए भी तो धरना प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो यहाँ की आम जनता अभी सोचती है कि कांग्रेस शासन में ये खुद ही धरना देता है और धरना प्रदर्शन पर बैठ जाता है। विधायक की सुनवाई नहीं होती है तो आम जनता की क्या अपेक्षा करेगी कि सरकार में होते विधायक होते हुए इनके काम नहीं हो रहे, तो आम जनता के कौन सुनेगा और जनता के तो काम नहीं होने। बहरहाल गणेश घोगरा का अपना पहला विधायक कार्यकाल समाप्ति की ओर है। गणेश घोगरा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के लिए अभी से अपने विधानसभा क्षेत्र में जुट गए हैं। महंगाई राहत शिविर में जाकर गणेश घोगरा सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने मतदाताओं को साधने में लगे हैं। लेकिन अलग अलग गुट में बटी कांग्रेस से पहले गणेश घोगरा के लिए टिकट लाना और फिर उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट के बीच अपनी जीत दर्ज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वहीं टीएसपी एरिया से संबंधित मांग भी चुनाव में मुद्दा बन सकता है। यहां के लोग राज्य प्रशासनिक सेवाओं में एसटी कोटे में से 6% टीएसपी एरिया के लोगों को देने की मांग है। टीएसपी एरिया में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठ रही है। नॉन टीएपी एरिया के शिक्षक जो जिले में कार्यरत हैं, उन्हें अपने गृह जिले में भेजने की मांग भी अहम है। डूंगरपुर इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा नई बनी राजनीतिक पार्टी बीटीपी भी मजबूत पकड़ रखती है, तो इस चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी भी किस्मत आजमाने को तैयार दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा के बारे में। डूंगरपुर विधानसभा 1952 से लेकर अब तक यहां पर 16 विधायक बने हैं, जिसमें से बीजेपी केवल 2018 में सिर्फ एक बार देवेंद्र कटारा के रूप में अपना खाता खोल पाई है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली डूंगरपुर विधानसभा में वर्तमान में गणेश घोगरा विधायक हैं, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 4.5 साल का कार्यकाल गणेश घोगरा का हो चुका है, और किस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा, क्या जनता की मांगे हैं और क्या मांगे पूरी हुई और किस प्रकार के मुद्दे जो है वो आज भी अधूरे रह गए, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ डूंगरपुर विधानसभा के कुछ लोग हैं, जिनसे बात करके जानेंगे कि विधायक गणेश घोगरा जो है उनका कार्यकाल कैसा रहा, कितने वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और क्या कमियां उनके कार्यकाल में रह गई है। जी बताएं, किस प्रकार का कार्यकाल रहा? गणेश जी घोगरा का इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है, इसका रिजल्ट उपचुनाव में देख लिया, 48% वोट कांग्रेस को मिले ऐसी, और आईटीआई के दो, एग्रीकल्चर कॉलेज के दो, लॉ कॉलेज के दो, विकास में कुछ भी कमी नहीं रखी है। और ऐसी स्थिति आ रही है कि अभी आज भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इस उपचुनाव में, बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती तीन एक आदमी तेजपाल जी को उतारा, उतरने भी तैयार नहीं थे, ऐसी स्थिति में ये है। और विकास के नाम पर तो कुछ कमी रखी नहीं है। रही बात नगर परिषद के विकास में, तो वहाँ इनकी आपसी ऐसी लड़ाई है जिससे शहर का विकास बिल्कुल रुका हुआ है। तो विधायक गणेश घोगरा ने बहुत विकास करवाया ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसा रहा कार्यकाल? राजस्थान सरकार का फेल कार्यकाल रहा है, किसी तरह से कोई विकास नहीं हुआ है। मात्र कागजों में इन्होंने कॉलेजे खोल दिए, मात्र कागजों में विकास दिखाया जा रहा है। डूंगरपुर की सड़कें देख लें, किसी तरह से कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, और मुझे तो नहीं लगता इन 4.5 सालों में डूंगरपुर का किसी तरह से कोई विकास हुआ हो। महंगाई राहत शिविर लगे हुए, उनको लेकर के जो जनता उमड़ रही है शिविरों में, जनता को गुमराह किया जा रहा है,
और महंगाई राहत शिविर में मात्र प्रशासनिक अधिकारियों को लगाकर जो कार्यालयों में काम होते थे वो काम भी रुक चुके हैं, नहीं कैंपों में काम हो रहे हैं, नहीं कार्यालयों में काम हो रहे हैं, मात्र उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस प्रशासन का दुरुपयोग राजस्थान की सरकार कर रही है। तो यहाँ पर प्रशासन का दुरुपयोग करने की बात सामने आई है, आप बताएं कैसा रहा कार्यकाल? शानदार ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, पूरी डूंगरपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद गणेश घोघरा जी के साथ है और उसका परिणाम यह है कि आज जिला परिषद के उपचुनाव में पूरे मतदान निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं ने 48% मतदान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में करके ये विश्वास जताया और ये मोहर लगाई है कि आदरणीय विधायक जी का और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पे विश्वास जताया है। जिस प्रकार से गणेश घोघरा जी ने पिछले 4.5 साल में जनता का गरीब को गणेश मान करके डूंगरपुर की जनता का सेवा किया है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में बहुत ही ऐसे कम विधायक हैं जिन्होंने 24 घंटे अपने कार्यालय खोल रखे हैं, किसी भी विचारधारा का कोई भी आदमी कभी भी आकर के उस कार्यालय में अपनी समस्या बता सकता है और उसके तुरंत और त्वरित समाधान के लिए उन्होंने वहां पे कर्मचारियों की अपने निजी स्टाफ की व्यवस्था कर रखी है। तो विधायक गणेश घोघरा ने जनता के हित के लिए ऑफिस खोल रखा है ऐसा बताया, सर आप बताएं क्या काम ऐसे है जो नहीं हो पाया, कैसा रहा कार्यकाल? अब मैं गिनाने जाऊंगा तो आपका समय कम पड़ेगा। राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर जिले के विधायक जी हैं उनकी स्थिति, इनकी पार्टी में क्या है, इनके जिलाध्यक्ष से पूछेंगे तो समझ में आएगी। पहली चीज तो पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती जो चल रही है ना, इसकी वजह से जनता के विकास को ये भूल चुके हैं। जहाँ तक डूंगरपुर के विधायक जी गणेश घोघरा जी की बात कर रहे हैं, ये लोग लो कॉलेज 4 साल से अभी तक इनका अभी तक धरातल पे कुछ हुआ नहीं है, ना कोई चल रही है किराए के मकान में चल रही है, ना बिल्डिंग है, ना फैकल्टी है। विधायक गणेश घोघरा के जो नेचर है उसकी बात करें, लोगों से मिलनसारी के बारे में बात करें, कैसा है उनका व्यवहार? उनके व्यवहार तो अगर इनमें क्षमता होती तो इनकी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनका उप मुख्यमंत्री जो पूर्व था, प्रदेश अध्यक्ष था, वो सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ऐसी सरकार पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जो खुद की सरकार के विरोध में धरना देना पड़े। इससे बड़े दुख की बात क्या है? अब महंगाई का कैंप लगा रहे, अपने नजदीक में 30 किलोमीटर गुजरात है, वहाँ पेट्रोल 12 रुपये लीटर सस्ता है, डीजल 3 रुपये लीटर सस्ता है। तो महंगाई में राहत देना चाहो तो राहत दे दो, एक व्यक्ति महीने का कम से कम 20 लीटर पेट्रोल दिलाता है, 200-300 रुपये वही फायदा हो जाता है। राहत में गैस सिलेंडर में उज्ज्वला योजना कांग्रेस सरकार ने पहले कभी दी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना दी, इसमें राहत के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपये की राहत दी। तो इस तरह भारत सरकार ने गरीब को गणेश मान के कई प्रकार की योजनाएं की, ये तो सिर्फ धरातल पे माफियागिरी करते हैं। इन्होंने अभी पेपर लीक के रिकॉर्ड बना दिए, बच्चों को बेवकूफ बनाने का। इन्होंने कहा कि हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के रेट दुनिया पूरे भारत में सबसे ज्यादा, पेट्रोल की रेट सबसे ज्यादा, डीजल की रेट सबसे ज्यादा, करप्शन में सबसे ज्यादा, अत्याचार में सबसे ज्यादा, बलात्कार में सबसे ज्यादा, हर प्रकार के नंबर वन राजस्थान सरकार है। पेपर लीक की बात यह उन्होंने यहाँ पर की, जो बाबूलाल कटारा आरपीएससी सदस्य है वो भी डूंगरपुर जिले से है, जिनका पेपर लीक प्रकरण में नाम आया था, उसको लेकर के डूंगरपुर जिला जो है काफी सुर्खियों में रहा था। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, विरोधी पक्ष का विरोध ही करना रहता है, बाकी जो काम हुए हैं वो तो जनता जानती है। ये कहते हैं कि डूंगरपुर में विकास नहीं हुआ, विकास के काम नाम से अगर मैं नगर परिषद का भी नाम ले लूँ तो नगर परिषद नहीं करने दे रही है। पट्टे जो बनवाने थे, गणेश घोघरा जी हमारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पट्टों का काम करवाया, और वो एक व्यक्ति ऐसा है जो जब फोन करो हर बार फोन पे हाजिर मिलते हैं और जो भी हमारी तकलीफ होती है उसको तुरंत सोल्व करते हैं। और वो मतलब आज देखो सीएससी खोली है इन्होंने, जलदाय जल का हिसाब से टंकी लगवाई इन्होंने, यहाँ पे कृषि कॉलेज खोलने की बात हुई, मेडिकल कॉलेज हुई, जो भी हुआ सुविधाएं हुई है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा जो है वो जनता की बात जो उठाने के लिए और मुद्दों को उठाने के लिए सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा ही आदिवासियों की जो हितों की बात है वो विधानसभा में उठाते आए हैं। आदिवासी होने के नाते आप बताएं कि किस प्रकार का उनका कार्यकाल है?
अब सभी बता रहे हैं कि अच्छा कार्यकाल है ये, पर हम, मैं एक युवा होने के नाते ये बता रहा हूँ कि आपने कॉलेज तो खोल दी पर उसमें अध्यापक नहीं है, और लो कॉलेज की बात भी जैसे बताई तो लो कॉलेज भी अभी तक कहीं धरातल पे कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 7,200 स्टूडेंट पढ़ते हैं और वहाँ पे मात्र 7 प्रोफेसर है, तो आप देख लो कि शिक्षा की क्या स्थिति होगी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं उसको अनुपातित निकालो आप, इस क्षेत्र के जितनी भी लोग हैं उसके अनुपात में, युवा हैं उसके अनुपात में निकालो। आप 8,000 की भर्ती देते हो और TSP एरिया को 800 पद देते हैं, ये यहाँ के युवा के साथ में कुठाराघात है। और यहाँ का युवा वो एकदम पढ़ पढ़ के बेचारा परेशान हो गया है। आप नर्सिंग भर्ती निकाल रहे हैं, अभी तक नॉन TSP की आपने वैकेंसी निकाल दी, TSP की वैकेंसी कब निकालेंगे और कब भर्ती करेंगे आप? और यहाँ के जितना भी युवा पढ़ा लिखा वर्ग है यही सोचता है कि हमारी कब भर्ती आएगी, कब आएगी। यहाँ से जाता है हनुमानगढ़, आते समय आते आते पेपर लीक हो जाता है, ये स्थिति है यहाँ की। युवाओं को रोजगार का मुद्दा भी यहाँ पर प्रमुख है, और भी अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। किस प्रकार का जो कार्यकाल रहा है विधायक का? मैं विधायक जी के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ। जहाँ तक अभी मेरे साथी बात कर रहे थे कानून व्यवस्था की, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई भी अपराध हुए हो तो उनकी धरपकड़ भी सबसे ज़्यादा गणेश जी गोगरा के नेतृत्व में, उनके निर्देशन के अंदर डूंगरपुर की पुलिस ने किया है। और कई सारे अपराधों के खुलासे हुए, और जो भी आप पथराव की बात कर रहे हो, लेकिन कभी भी कोई भी अगर पथराव की घटना हुई तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर, चाहे चोरी की घटना हुई है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर उन अपराधियों को बिल्कुल बाकायदा पकड़ा है और उनको सलाखों के पीछे डाला है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और वो इसलिए मुस्तैद है क्योंकि हमारे जो विधायक जी है उन्होंने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के रखा है कि किसी भी प्रकार के कोई भी अपराध के ऊपर कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। रही बात, मैं कृषि क्षेत्र से हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि महाविद्यालय के लिए उन्होंने MLA बनते ही सबसे पहली मांग राज्य के मुख्यमंत्री को यही रखी थी कि मुझे यहाँ पर डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय चाहिए, क्योंकि उसके लिए मेरा भी उनके साथ में बहुत पत्राचार चला था विधायक जी के साथ में, इसलिए मैं इस बात का साक्षी हूँ। और रही बात कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि कॉलेज होने की, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आप उदयपुर में जाए RCA कॉलेज शहर के अंदर मिलेगी, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में मिलेगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है, जयपुर में कहीं कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि के लिए, कृषि महाविद्यालय के लिए धरातल पे अब हमारे पास में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी नियर टू नेशनल हाईवे, जहां आने वाले टाइम में हमने ऐसा सुना है कि बुलेट ट्रेन भी वहीं से निकल रही है उसके पास से। तो हमारा जिस नेशनल हाईवे के ऊपर हम अगर कृषि महाविद्यालय खुल रहा है तो वो बहुत ही अनुकूल जगह है, वहाँ की जगह, वहाँ की लोकेशन, और वहाँ कोई डूंगरपुर जिले के अकेले कृषि विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ने वाले लोग नहीं आएंगे। कृषि महाविद्यालय में पढ़ने आने वाले लोग पूरे राजस्थान के हो सकते हैं, जो JET के माध्यम से एग्जाम देकर के आते हैं। तो वो जो भी लोकेशन है वो अनुकूल है। रही बात विधायक जी के व्यवहार की, तो मेरा कई बार काम पड़ा है, मेरे कई लोगों ने जो शिकायत करी उसका निवारण मैंने देखा है कि अगर उनके ऑफिस में जाकर के उनसे अगर बात की होगी तो उन्होंने तत्काल उसका निवारण करवाने की पूरी कोशिश करी, भरसक प्रयास कराऊंगे। यही मेरा विधायक जी के साथ में अनुभव रहा है, और वो बेहतरीन व्यक्ति है, युवा है और लंबी रेस तक चलने वाले हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले 2-4 इलेक्शन तक उनको अगर जनता साथ देगी, ये जनता के साथ में रहेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है। धन्यवाद। डूंगरपुर विधानसभा से करीब 30 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, और वही इस डूंगरपुर जिले की या डूंगरपुर विधानसभा के विकास की लाइफलाइन कहा जाता है। साथ ही डूंगरपुर विधानसभा जो है वो गुजरात की सीमा से सटी हुई है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, उसको लेकर के कई बार जो असुविधाओं की या अव्यवस्थाओं की बात सामने आती है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, गणेश जी का जो ये कार्यकाल रहा है जैसे 4.5 साल का, ये बहुत ही शानदार रहा है। मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना काल के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहिम थी कोई भूखा न सोए, तो हमारे विधायक महोदय ने हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क वो भोजन व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था करके और लोगों को फ्री में खाना खिलाया था, राशन किट दिए गए थे, और बहुत ही शानदार इनका कार्यकाल रहा था। और रही बात यहाँ पे डूंगरपुर की विकास की, तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, इसके बाद नर्सिंग कॉलेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ के लोगों के लिए ही है। और रही बात मैं आता हूँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे मदर तलिया के साइड, तो उस साइड क्या अभी बहुत बड़े बड़े एनिकेट भी बनाए हैं जो करोड़ों रुपए के, तो वो हमें पानी का स्रोत भी हो गया, जो हमें काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि हमारे पानी का सोर्स क्या किया जाए, तो वहाँ पे पानी का स्रोत भी हो गया जो कि अब हमारा ग्राउंड लेवल ऊपर आ रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम में बहुत ही शानदार रहा सर का। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पे साहब के पास जाओ, कोई भी समस्या हो, XYZ किसी भी पार्टी का हो, अगर आप विधायक साहब के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, तो वो तुरंत हैंड टू हैंड उनसे जो हो सकता है वो समाधान तुरंत करके देते हैं, और बहुत बढ़िया कार्य कर रहा हूँ।
तो ये थी डूंगरपुर विधानसभा की जनता, जिन्होंने विधायक गणेश घोगरा के 4.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा अपने हिसाब से बताया। कुछ लोगों का मानना है कि विधायक गणेश घोगरा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो कुछ लोगों को उनका कार्यकाल नहीं भी पसंद आया। खैर, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अगले चुनाव में ही ये चीज़ सामने आ पाएगी कि विधायक गणेश घोगरा वापस चुनाव लड़के अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर भाजपा उनका जो है वो गढ़, कांग्रेस का गढ़ जो है वो तोड़ने में कामयाब हो पाती है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर।